अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। स्वामी भक्तों नमस्कार। स्वामी स्वरूप परम पूज्य सद्गुरु श्री लाटकर काकांच्या संचार अवस्थेत प्रस्तुत श्री स्वामी चरित्र तत्व रहस्य हे वैशिष्ट्यपूर्ण आहे। आपल्याला प्रत्यक्ष स्वामी समर्थांच्या मुखातूनच हे ऐकायला मिळत आहे, हे आपले अहोभाग्यच आहे। श्रद्धावान स्वामी भक्तांनी याचा अवश्य लाभ घ्यावा। धन्यवाद। श्री स्वामी समर्थ। जय जय स्वामी समर्थ। शिव गणेश गणेश गुरुभ्यो नमः। गुरुलोक का गणेश गणेश से प्रभावित आज गुरुलोक प्रफुल्लित प्रसन्न हुए हैं। तथा अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदगुरु का त्रिखंड में परिक्रमा हो रही, अपने भक्तों के प्रीत का रक्षा करने प्रयोजन सदगुरु निकल चुके हैं। निश्चिंत रहो, स्वामी की कृपा सिद्ध हो रही है। निर्भय रहो। आज का विशेष दिन सदगुरु कृपा का दिन है। आज का विशेष दिन गणेश के कृपा का दिन है। आज शुभ शंभु बड़े प्रसन्न है और प्रति गुरुवार स्वामी चरित्र के तत्व रहस्य की कथा भक्तों के कल्याण के प्रयोजन से चल रही है। स्वामी प्रत्यक्ष परब्रह्म परमेश्वर का आविष्कार, स्वामी त्रिखंड के स्वामी है, स्वामी समस्त देव देवता के स्वामी है, स्वामी प्रत्येक जीव के कल्याण के प्रयोजन इस भूलोक पर परिक्रमा करते हैं। स्वामी केवल मनुष्य ही नहीं, देव अंतर समस्त तपस्वी समस्त ब्रह्मचारी समस्त यति पुरुष इन सारे जीवों का उद्धार करने के प्रयोजन स्वामी की अखंड परिक्रमा होती है। और स्वामी तत्व रहस्य के प्रत्यक्ष आज आविष्कृति स्वामी चरित्र है। सद्गुरु तत्व रहस्य स्पष्ट होने के प्रयोजन से स्वामी चरित्र है। गत गुरुवार
ने किया था उसी लीला से अन्य कोई प्रसंग जिसमें तत्व रहस्य का उद्घाटन शतगुरु ने किया है इसके बारे में बात चिंतन अवश्य करेंगे। स्वामी अखंड जागृत होते हैं, स्वामी अखंड चैतन्यमय है, स्वामी प्रत्येक जीव का चैतन्य है, स्वामी प्रत्येक हृदय का स्पंदन है, स्वामी प्रत्येक जीव का अधिष्ठान है, स्वामी इसके कारण स्वामी की कृपा अपने स्वयं के अंश पर होती है, स्वामी की कृपा दृष्टि शारीरिक जीव के कल्याण के प्रयोजन से इसी कारण होती है। कारण जीव तथा ब्रह्म एक ही तत्व के दो आविष्कार परब्रह्म परमेश्वर स्वभाव से एक होते हुए अनंत रूप में आविष्कृत होते हैं। स्वयं सद्गुरु स्वामी प्रत्यक्ष परब्रह्म परमेश्वर होने के कारण जीव का अधिष्ठान अनंत काल से है। विषय के कारण स्वामी अजन्मा अमर अनंत सर्वव्याप्त बुद्धि अगोचर तर्क से प्राप्त होना संभव जो भक्त तीव्र संवेदना तीव्र समर्पण भाव अभिनिवेश शून्यता अनन्य शरण भाव से आता है तत्पश्चात स्वामी अवश्य कृपा करते हैं। छोटी मोटी परीक्षा तो लेनी ही पड़ती है किंतु इन सारी परीक्षा में जब मनुष्य बड़े धैर्य से बड़ी सतर्कता से बड़े विश्वास से दृढ़ता से स्वामिस्मरण करते रहेगा, निर्भयता से स्वामिस्मरण करते रहेगा, स्वामी अवश्य अपनाते हैं रे बाबा। इस प्रकार से केदारनाथ में अनेकों भक्त अनेकों शिष्य अनुग्रहित हो चुके थे। सोमनाथ स्वयं स्वामी का अग्रगण्य शिष्य बन चुका था। ज्योतिर्लिंग पर जो भी यति पुरुष आते स्वामी शरण जाते हैं, किंतु काशी विश्वनाथ के कोई ब्रह्म वृंद भारत परिक्रमा करने के प्रयोजन से निकल चुके थे। ऋषि प्रयोजन में केदारनाथ ये स्थान पर आ चुके थे, जिनका नित्य संबंध बारह ज्योतिर्लिंग के साथ था, ऐसे श्रेष्ठ ब्रह्म वृंद। किंतु स्वयं की श्रेष्ठता के कारण
अभिनिवेश की वृद्धि ये बड़ा ही अवरोध होता है मनुष्य के जीवन में। जब ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास होता है तब यद्यपि विस्मृति हो गई, सद्गुरु विस्मृति हो गए, माता पिता कुलदैवत की अभिनिवेश वृत्ति होती है, इस प्रकार मैं ब्रह्म वृंद ने केदारनाथ स्थान पर रुद्राभिषेक का प्रयोग करने प्रयोजन से कार्य प्रारंभ किया था। लघु रुद्र का संकल्प किया था, रुद्र पर परिचर्चा हो रही थी, रुद्र जो यजुर्वेद से उद्भव हुआ था, रुद्र शंभो शिव शंभो का स्तुति गान अष्टाध्याय विस्तार से स्तुति गान किया था याज्ञवल्क ने, जिससे शिव शंभो बड़े ही प्रसन्न होते। किंतु इस ब्रह्म वृंद ने इसी मीमांसा में यजुर्वेद सर्वश्रेष्ठ वेद अन्य वेद द्वयम् ऐसे तर्क लगाया, तब स्वामी उस स्थान स्थानापन्न हुए थे। मंदस्मित हो रहा था मुखमंडल पर, जब श्रेष्ठ कनिष्ठता की बात होती है, जब भेदा भेद की बातें होती है, जब वेदों में भी श्रेष्ठ कनिष्ठता की बात होती है, तब अज्ञान की परिसीमा चोटी पर आती है। बड़े कर्मानुष्ठान से लौकिकता प्राप्त किए हुए ब्रह्म वृंद स्वयं का विचार, स्वयं का सिद्धांत अपने तर्क के माध्यम से सिद्ध करने का प्रयास कर रहे थे। तत्पश्चात केदारनाथ स्थित स्वामी के अनेकों शिष्य तथा प्रत्यक्ष प्रमुख उपाध्याय सोमनाथ इस चर्चा का संपूर्ण समाधान प्राप्त होने के प्रयोजन से स्वामी सम्मुख शरण भाव से प्रचार करते रहा है। शिव शंभो सर्वेश्वर है, उनका स्तुति पर काम अष्टाध्याय रुद्र में किया है। रुद्र यजुर्वेद से उद्भव होने के कारण ऋग्वेद की कर्णता कशी जाती है तथा यजुर्वेद के सिद्धता के पश्चात जीव स्वर्ग लोक में अवश्य जाता है। इस
तर्क के बारे में समाधान पूछ रहा था, जिसका समाधान प्रत्यक्ष परब्रह्म स्वरूप सद्गुरु ने किया, वो श्रवणीय मननीय चिंतनीय अध्ययन करने योग्य है। रुद्र अष्ट अध्याय के पंचमाध्याय में शिव शंभु के अनेकों अंग से स्तुति की है, उनके अनेक तत्व का रहस्य बताया है। याज्ञवल्क्य एक उत्तम तपस्वी थे, किंतु ये सारी बातें तभी हो सकती है जब ज्ञान का अधिष्ठान हो, सद्गुरु के मुख से प्रबोधन प्राप्त किया हुआ ज्ञान प्रत्यक्ष प्रतीति में प्राप्त करते हुए सदाचार सिद्ध हुआ हो। जहाँ वे संपूर्ण शरण भाव प्रस्तापित होते हुए समर्पण भाव से जब अनुष्ठान किया जाता है, तब वेदों का भेद नष्ट होता है। जान जाओ वेद प्रत्यक्ष ज्ञान का आविष्कार है, वेद प्रजापति का श्वास प्रश्वास है, वेद ज्ञान की अभिव्यक्त वाक्मय है, वेद जिसमें रुक्यजु साम ये त्रिवेद बड़े ही महत्वपूर्ण है। इसमें श्वास प्रश्वास कुंभक का प्रतीक है, रुख ज्ञान रुख के माध्यम से स्थिति पर कान किया है, प्रतीक अक्षर प्रतीक शब्द तत्व रहस्य से परिपूर्ण, इस ज्ञान की अभिव्यक्ति क्रिया के माध्यम से रुद्राध्याय में हो चुकी है। रुद्र जीव का कल्याण करने के प्रयोजन से बना है, रुद्र जीव को स्वयं के स्वरूप के बारे में अवगत होने की प्रक्रिया है। रुद्र प्रत्यक्ष शिव शंभु के साथ अनुसंधान प्रस्तापित करने का प्रयास है। रुद्र शिव शंभु का ज्ञान रहस्य सुस्पष्टता से अभिव्यक्त करने का स्तुति काल है। रुद्र ना ही किसी एक वेद की प्रशंसा है, शिव शंभु स्वयं प्रत्यक्ष आदि गुरु शिव शंभु परम शिव के आविष्कार, शिव शंभु के अधिष्ठान के कारण दत्तात्रेय सद्गुरु बने शिव शंभु। उन्हीं के स्तुति सुमन, उन्हीं के तत्व रहस्य, उन्हीं के अनेकों अंग, उन्हीं की शक्ति आविष्कृत करने का प्रयास रुद्र में है।
तथा स्तुति के साथ पंच तत्व से अभिषेक होता है, जान जाओ। इन पंच तत्व प्रतीक तत्व अमृत तत्व है, जिसके कारण पंचकोश पवित्र हो जाते हैं। मनुष्य की अस्वस्थता, मनुष्य का स्वास्थ्य का संतुलन नष्ट होने का कारण समझ जाओ। पंचकोश की अपवित्रता होती है अभिनिवेश के कारण, अज्ञान के कारण। एक एक अमृत तत्व जब आत्मलिंग पर सिंचन किया जाता है, तब एक एक कोशों की पवित्रता वृत्तिगत हो जाती है। अनंत तत्व भीतर अधिष्ठित है, किंतु अनभिज्ञता के कारण मनुष्य केवल देहधारी हो जाता है। शुद्ध जल से जब शिव शंभो के पिंडी पर अभिषेक किया जाता है, तब स्थूल देह पवित्र हो जाता है। स्थूल देह के जय अपजय, स्थूल देह के पंच संस्थाएं पवित्र जल के सिंचन से अवश्य स्वस्थ हो जाती है। तत्पश्चात दुग्ध प्रत्यक्ष अमृत है, जिसके संचन के कारण प्राण प्रज्वलित होता है, प्राण म्लान हुआ है जिसका, उस प्राण तत्व को पवित्र तथा प्रज्वलित करने का कार्य दुग्ध अमृत से होता है, जिसे प्रमाद हुआ, जिसे प्रमेह हुआ, जिसे उच्च रक्तदाब हुआ, वो अवश्य मुक्त होगा। गया माता का दुग्ध रुद्र पर अभिषेक किया गया है, तत्पश्चात गैया माता का शुद्ध कृत जो परम अमृत, उसकी धारा जब शिव शंभो के आत्मलिंग पर होती है, तब कठिन से कठिन अस्वस्थता नष्ट होगी। रुद्र में इतनी क्षमता है कि मृत्यु के पंथ पर जो जा रहा है उसे सुस्थिति में लाने की क्षमता है। कृत में गैया माता का कृत तेज तथा ओज से उत्प्रोत है, परब्रह्म परमेश परस्वरूप आत्मलिंग पर उसके अखंड धारा रखते हुए रुद्राध्याय, यद्यपि इस योग्य स्वर से गाया जाए, तत्पश्चात मधु जो एक एक कण से संचित किया जाता है, जिसकी मधुरता प्रत्यक्ष अमृत की मधुरता होती है, उसके अभिषेक से श्वास प्रश्वास स्वच्छ हो जाता है, सारी अस्वस्थता नष्ट होगी। तत्पश्चात शर्करा जिससे शिव शंभु
अतिव प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार से पांचों कोश पांचों अमृत से स्वस्थ हो जाते हैं। ये रहस्य है, जान जाओ। इस रहस्य को अध्ययन करते हुए जो भक्त शिव शंभो के ज्योतिर्लिंग पर एक के पश्चात एक अमृत तत्व से भरे हुए जलदुग्ध घृत मधु शर्करा से अभिषेक करते हुए रुद्र का पंचम अध्याय सुस्वर से गाएगा, वो अमर तत्व प्राप्त करेगा अवश्य। छोटी मोटी बातें तो स्वच्छ हो जाएगी रे, मेरा वचन है। हमने इस अमृत तत्व को धारण किया है, इसके कारण हम अमर है। आप सारे अमर हो जाओ। स्वामी देखते हैं भक्तों की ओर, स्वामी की कृपा अविरत रहे भक्तों। शिव शंभु अपने भक्तों पर कृपा शर्चन करते, जिन्हें तृतीय व्याधि हुई है, संकल्प करो ज्योतिर्लिंग पर जाके पांचों अमृत से गोकर्ण महाबलेश्वर पर लघु रुद्र का अभिषेक करने का संपूर्ण आयु प्राप्त हो जाए। इस स्थान पर आते कैसे विन्मुख जाएगा? स्वामी बैठे है बेटा, जो सदाचार से समर्पण भाव से अनन्य शरण भाव से स्वामी के सम्मुख आता है, वो विन्मुख कदापि नहीं जाएगा। दिव्य कार्य करना है प्रत्येक जीव को। इस प्रकार से तत्व रहस्य का उद्घाटन करते हुए तीनों वेदों का महात्म्य सद्गुरु स्वामी ने समग्र ब्रह्म वृंद को सुस्पष्ट किया। तत्पश्चात सारे ब्रह्म वृंद तृप्त हुए, शिव शंभु प्रसन्न हुए। इस प्रकार से इस अध्याय संपन्न होता है। आने वाले गुरुवार स्वामी का लीला प्रसंग हम विस्तार से कथन करेंगे। बाबा मेरे सारे बेटे बेटियों, मेरा अखंड आशीर्वचन है, सदा आनंदित हो जाओ, सदा तृप्त हो जाओ, सदैव कल्याण हो जाओ। अभी हम स्थित होते